हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेस्ट क्वेस्ट रेसिपीज। तो आज की हमारी रेसिपी है मावा कुल्फी। क्योंकि समर इज एट इट्स पीक, तो कुल्फी आइसक्रीम खाना तो बनता ही है और यही खाने का मन करता है हर दिन। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ रेसिपी ऑफ कुल्फी विच इज़ वेरी इजी टू मेक एट होम। इसमें मैंने कोई मिल्क पाउडर, मलाई ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया, सिर्फ मावा जो मार्केट में मिलता है वही डाल के हम कुल्फी बनाएंगे। टेस्ट अमेजिंग और झटपट बन भी जाती है। एक लीटर दूध में काफी सारी कुल्फी बनती है घर पे, सो इट्स क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली टू। So let's see how to make this mawa kulfi at home. But before moving forward, guys, please like, share and subscribe to my channel. So सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है फुल फैट मिल्क 1 लीटर, उसमें से आधा कप हम बचा के रखेंगे। तो मैंने डाल दिया कढ़ाई में और उसको उबालेंगे। तो यहाँ पे बिकॉज मिल्क इज फुल फैट, तो उसमें पूरा क्रीम और मलाई रहती है, सो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी एडिशनल मलाई या क्रीम ऊपर से, इसी को पकाएंगे। सो अभी विल गिव इट अ बॉइल। जब तक ये इसमें उबाल आता है तब तक जो हमने 1/2 कप दूध साइड में रखा था उसको एक बोल में डालेंगे और उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और उसको अच्छे से मिला लेंगे। विल मिक्स इन सच अ वे कि कोई गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। तो इसको अच्छे से हम विस्कर से मिला लेंगे। एंड कीप इट असाइड। तो अभी हमारा दूध भी उबलने लगा है। उसको हम चलाते ही रहेंगे, शुड नॉट स्टिक और बर्न एट द बॉटम। तो दूध में उबाल आ गया है। उबलने के बाद 5 से 7 मिनट इसको उबलने देंगे, फिर इसमें डालेंगे हम जो अपना कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया है वो डाल देंगे। जैसे ही हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो दूध हमारा थिक होने लगेगा, बट उसको चलाते ही रहना है वरना गुठलियाँ पड़ सकती है। तो यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप स्टरिंग टू गेट अ यूनिफॉर्म स्मूथ मिक्सचर। अभी क्या करेंगे, जब तक हमारा दूध बुल के पक नहीं जाता तब तक हम एक पैन में 1 कप जितनी शुगर लेंगे, इसको कैरेमलाइज करेंगे। तो जब तक शुगर कैरेमलाइज होती है तो उसमें हमें स्पैचुला नहीं लगाना है, उसको ऐसे ही गर्म पैन के ऊपर कैरेमलाइज होने के लिए रख देना है। वंस इट टर्न्स ब्राउन इन ऑल द शुगर मेल्ट्स, फिर स्पैचुला उसमें लगाएंगे। तो एक बार शुगर का लाइट ब्राउन कलर आता है फिर उसको जलने में टाइम नहीं लगता, तो ये हम स्टेप एकदम क्विक करेंगे। अभी विल ऐड दिस कैरेमलाइज शुगर जो हमारा दूध उबल रहा है उसमें डाल देंगे। इसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये कुल्फी में। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि हमारा
दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। बाजू में से जो मलाई लगती है उसको भी ऐसे विल स्क्रेप एट एंड एड इट इन द मिल्क, ताकि उससे अच्छा फ्लेवर आता है और कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाती है। एकदम कुल्फी कंसिस्टेंसी आ गई है हमारे दूध में, बस इतना ही पकाना है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट में ये कुल्फी का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। बट मैंने फ्लेम मीडियम रखी और उसको मैंने कंटिन्यूसली स्टर करके रखा था। अभी मैंने कोई इसमें मिल्क पाउडर या एक्स्ट्रा मलाई कुछ नहीं डाला है। अभी गैस ऑफ कर दिया है, उसको गैस से उतार लेंगे कि हमारा अच्छे से मिल्क थिक हो गया है, जैसे कुल्फी की कंसिस्टेंसी होती है ऐसा ही। तो वे विल टेक इट ऑफ द गैस। अभी इसमें मैंने डाला है 150 ग्राम्स खोया या मावा जो मार्केट में मिलता है, या फिर आप मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं घर पे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास मीठा मावा अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, वरना ये फीका मावा मैंने डाला है। और मैंने शुगर की कंसिस्टेंसी पहले इसीलिए थोड़ी हाई रखे थे ताकि ये एडजस्ट हो जाए। और आप अपने हिसाब से शुगर डाल सकते हैं, इफ़ यू डोंट लाइक टू स्वीट तो कम भी डाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, विस्कर से ये मावा अच्छे से मिला लेंगे इसमें। तो मावे से ना एक अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर भी आ जाता है कुल्फी में। सो और मावा कुल्फी मिक्सचर इज रेडी टू गो इनटू द मोल्ड। ये आप देख सकते हैं अंदर क्रिस्टल्स जैसे दिख रहे हैं, तो इसी से टेक्सचर अच्छा आता है और खाने में भी स्वाद अच्छा लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कुल्फी मिक्सचर को एक जग या किसी पोरिंग जार में डाल देंगे, ताकि है ना इसको मोल्ड में डालने में आसानी हो जाए। सो नाउ विल पोर इनटू कुल्फी मोल्ड्स। यहाँ पे मैंने ऐसे ग्लास जैसे मोल्ड आते हैं वो यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी अपनी चॉइस का जो आपके पास अवेलेबल है वो मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर रोल कट कुल्फी करनी है तो ऐसे जो घर पे स्टील का डब्बा पड़ा रहता है उसमें डाल सकते हैं, वो भी मैं अभी उसमें डालूँगी। बट वी प्रेफर दिस काइंड ऑफ सिंगल सर्व, एक ही सर्व में ख़त्म हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कुल्फी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर रोल कट करना है तो ऐसे सिलिंड्रिकल डब्बे में आप डाल दें कुल्फी मिक्सचर को, सबको ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल से सिक्योर कर लेंगे। अभी हम इसमें स्टिक इंसर्ट कर देंगे। तो ऐसे ही सारे कुल्फी मोल्ड्स में आप एल्युमिनियम फॉइल लगा के स्टिक इंसर्ट करके इसको विल कीप फॉर सेटिंग इन द रेफ्रिजरेटर। सब में स्टिक लगा देंगे ऐसे। तो ऐसे ही सब हमारे कुल्फी मोल्ड्स आर रेडी टू गो इनटू द रेफ्रिजरेटर। सो चिल इट ओवरनाइट और एटलीस्ट 8 to 10 hours। द प्लेस वेयर आई लिव इट्स टू हॉट, लाइक अराउंड 44-45, तो इसको जमने में पूरा 1.5 दिन लगा था। तो ये अच्छे से कुल्फी अनमोल्ड हो गई है।
दूसरी एक अनमोल्ड करके देख लेते हैं। इसको आप डीप फ्रीजर में से निकाल के 5 to 10 minutes ऐसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो अच्छे से अनमोल्ड हो जाएगी। तो ये हमारी सारी मावा कुल्फी तैयार है। सो विल गार्निश इट विद सम पिस्ताचियो क्रम्स। आप देख सकते हो कितनी जल्दी डिफ्रॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ इट्स लाइक हेल लॉट ऑफ हाई टेम्परेचर। सो आर मावा कुल्फी इज रेडी टू सर्व। तो आप भी अपने घर पे ऐसे ही ट्राई करें एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बहुत ही आसान है और एकदम अच्छा टेस्ट आता है। सो डू गिव इट अ ट्राई एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई होप यू लाइक माई टूडेज रेसिपी एंड इफ यू डिड गिव इट अ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।